कोलकाता गैंग रेप को लेकर सियासत हुई गर्म। जगह जगह सड़कों पर हो रहे हैं प्रदर्शन। राष्ट्रपति का आया बड़ा बयान, मुझे भी लगने लगा है डर। देश की राष्ट्रपति को भी राजनीति में किया जा रहा है इस्तेमाल। बंगाल के अंदर जो डॉक्टर के साथ घटना घटित हुई, बलात्कार कर हत्या करने का जो जघन्य अपराध हुआ है, उसमें जम के राजनीति हो रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे नहीं है, इस वजह से ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है, जिसमें अब राष्ट्रपति ने भी अपना एक बयान जारी कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इनफ इज इनफ, अब मुझे डर महसूस हो रहा है। ये पहली घटना नहीं है देश के अंदर और ना ही राज्य के अंदर जिसमें इस तरह का जघन्य अपराध हुआ है। गौरतलब करने की बात यह है कि इस तरह के अपराध निरंतर कई राज्यों में घटित हो रहे हैं, लेकिन उस पर राष्ट्रपति चुप हैं। देश के अंदर कई बड़ी घटनाएं घटित हुई जिस पर राष्ट्रपति चुप रही। तो अब बंगाल के मामले पर जहां तमाम राजनीति हो रही है घटना पर, वहां राष्ट्रपति का इस तरह का बयान विपक्ष को हमलावर कर रहा है। देश के अंदर तमाम राज्यों में अलग अलग जगहों पे सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, जो महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या के घटनाएं घटित होती हैं, उसमें राजनीति भी जम के की जाती है। देश के अलग अलग राज्यों में तमाम नाबालिग बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन इस समय जो तूल पकड़ा है वो पकड़ा है बंगाल के अंदर। जो अस्पताल में कार्य कर रही एक डॉक्टर थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की वारदात को जो अंजाम दिया गया है, उस पर राजनीति गर्म है। दरअसल इस घटना के बाद तमाम जगहों पे विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन और जो महिला नेत्री हैं भाजपा की, वो ममता बनर्जी पर निशाना साध रही हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर महिला हैं, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। लेकिन वहीं इसी कैटेगरी की जो घटनाएं हैं नाबालिग बच्ची के साथ, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ऐसी तमाम जगहों पे बलात्कार नाबालिग बच्चियों के साथ और हत्या को अंजाम दिया गया है, लेकिन वहां पे तमाम लोग चुप्पी साध लेते हैं। राष्ट्रपति का बयान आने के बाद तमाम जो राजनीति है इस पे गर्म हुई है, क्योंकि जो विपक्ष है वो राष्ट्रपति को अब घेर रहा है। विपक्ष का साफ तौर पे कहना है, इसी देश के अंदर उत्तराखंड भी है, बिहार भी है, महाराष्ट्र भी है, और इसी देश के अंदर मणिपुर भी है। इसी देश के अंदर वो राजधानी में तमाम महिला रेसलर्स बैठी थीं, जो राष्ट्रपति से मिलने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन राष्ट्रपति ने उन्हें समय तक नहीं दिया। अलका लांबा ने निशाना साधते हुए कहा है कि देश की जो राष्ट्रपति हैं, अगर वो पहले इस तरह का बयान देती तो शायद चीजें इतनी बद से बदतर नहीं होती, और इस तरह की जो राजनीति का वो हिस्सा बन रही हैं वो उन्हें नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस की महिला मोर्चा अध्यक्ष जो हैं अलका लांबा, उन्होंने क्या कुछ कहा है एक बार सुनिए। जिस तरीके से कलकत्ता की घटना के ऊपर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक खुद को भयभीत होने का बताया है, कैसे देखिए इस बात? देखिए, देश की अगर राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति भयभीत है तो इस आधी आबादी की क्या हालत हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कलकत्ता से वो भयभीत हुई है या देश में कोई राज्य अछूता नहीं है जहां पर नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार ना हो रहे हो। राष्ट्रपति जी महाराष्ट्र भारत में है, महाराष्ट्र में थाने जिले के बदलापुर में मात्र 3 साल की बच्ची के साथ गलत काम भाजपा नेता के स्कूल में हुआ है। पूरा बदलापुर सड़कों पर न्याय मांग रहा था, आप खामोश रही। मणिपुर जल रहा था, राष्ट्रपति जी काश आप खामोश ना रही होती। 11 आदिवासी बच्चियों को नग्न करके सामूहिक जो है वहां से बच्चियों को निकालकर सामूहिक बलात्कार किए गए, उसमें सेना के एक जवान की पत्नी भी थी, आप चुप रही। वहां पर आप महिला गवर्नर मणिपुर की जो तब थी हटा दी गई हैं, आपसे मिलने का समय मांगती गई। विनेश वोगाट, साक्षी मलिक, हरियाणा की बेटियां आपके दरवाजे तक आई थी राष्ट्रपति जी अपने पदक लौटाने, आपसे न्याय मांगने, आपने उनको समय नहीं दिया।
उम्मीद की जा रही थी कि बेटियों को गले लगाकर उनके पदक उनके गलों में डालकर उनको कहती न्याय होगा, आप नहीं बोली। हंसराज भाजपा का हिमाचल का विधायक है, 20 साल की भाजपा के बूथ अध्यक्ष की बेटी ने कुछ गंभीर आरोप लगाए, न्याय नहीं मिल रहा। मैं खुद वहां पर अपने मुख्यमंत्री सरकार को मिलकर आई हूं कि जांच होनी चाहिए। राष्ट्रपति जी आप चुप नहीं रहती तो शायद ये अपराध आज नहीं देखने पड़ते, पर आप सिलेक्टिव हो गई हैं क्योंकि आपको पीएमओ से आता है कहां बोलना है कहां नहीं होना, किस अपराध पे बोलना नहीं, आपको राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे लगातार भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस समय मांग रही है क्योंकि देश में अनेकों ऐसे बेटियों के साथ, नाबालिग बेटियों के साथ जघन्य अपराध के मामले चल रहे हैं, न्याय नहीं है। आप हमें समय नहीं दे रहे हैं, आप अगर हमें समय देंगी तो आप और हम मिलकर आपका भी भय और देश की आधी आबादी का भी भय दूर करने में कामयाब होंगी। मैं फिर कह रही हूँ, बंगाल जला कुन रहा है, जहां वहां की अगर पार्टी जो है, जो सरकार है वो जला रही है। मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, तस्वीरें हमने भी देखी कि कौन है जो रेल रोक रहे हैं, दुकानें लूट रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, पुलिस लहू लुहान है, बंगाल की पुलिस लहू लुहान है। कौन लोग हैं दूसरी तरफ? भाजपा के लोग हैं। क्या कर रहे हैं आप? जहां सीबीआई को सौंपी गई ना, आपके अधीन आ गई ना सीबीआई, करवाइयो फास्ट ट्रैक में मामले की जांच और दोषी को फांसी दे दीजिए। आप ये काम नहीं करेंगे क्योंकि आपको राजनीति करनी है। बंगाल जला रहे हैं, बदलापुर के लोगों को भी तो आंदोलन कर रहे थे ना, वो राजनीति थी, और जो बंगाल में हो रहा है वो आंदोलन है, वो हिंसा है ना। सो ये भाजपा की लगाई हुई आग है, इनका बेटियों को न्याय दिलाने से कोई मतलब नहीं है, है ना। वरना मणिपुर भी जल रहा है एक साल से, आपने झांक कर नहीं देखा वहां पर प्रधानमंत्री। अलका लांबा ने राष्ट्रपति के इस बयान को ये कहा है कि वो राजनीति के अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं, पीएमओ से उनको इंस्ट्रक्शन आते हैं कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस मुद्दे पर बोलना है, क्योंकि इसी देश का हिस्सा है मणिपुर, जहां पे तमाम बर्बरता हुई महिलाओं के साथ, यहां तक कि एक फौजी की पत्नी थी उसके साथ भी उसको नग्न करके घुमाया गया और सामूहिक बलात्कार किया गया। वहीं बिहार के अंदर एक शटल कास्ट समाज की बच्ची को उठा लिया जाता है, बलात्कार किया जाता है। महाराष्ट्र का एक हवाला दिया जहां पे इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। वहीं उत्तराखंड के अंदर एक युवती के साथ बस के अंदर बलात्कार होता है। ना जाने इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन उन्हीं घटनाओं पे क्यों मुद्दा बनाया जाता है जहां पे जो सेंट्रल में बैठी सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन राज्यों में वो है या फिर उनके समर्थक बैठे हैं, उस पर मुद्दा और चर्चा मेन स्ट्रीम में या फिर तमाम इस तरह के जो बयान हैं वो नहीं दिए जाते हैं। क्योंकि बंगाल है और बंगाल के अंदर किस तरह से विद्रोह लोगों ने छेड़ा हुआ है, अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन मिल रहे हैं, यहां तक कि दिल्ली और कई राज्यों के अंदर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। ये अपराध जो है कोई राज्य के तहत या किसी सरकार के तहत नहीं देखा जा सकता, देश के अंदर तमाम राज्यों में इस तरह की घटना घटित हो रही है। क्या एक ही अपराध को अलग अलग निगाहों से अलग अलग राज्यों में अगर वो घटित हो रहा है जहां पे अलग अलग सरकारें हैं, क्या अलग अलग तरह से देखना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें।